हेलो माय डियर स्टूडेंट्स स्वागत आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में आज के वीडियो में हम सीखेंगे सिविल वर्क को मापने का सही तरीका हर एक जो हमारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती है उसको मेज़र करने का एक यूनिट होती है और उसको हम मेज़र सही तरीके से कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक एक्टिविटी को देखेंगे और उसको सही से मेज़र करने का तरीका भी सीखेंगे जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं आर सी वुडन फ्रेम हनी ब्रिक वर्क ये सभी एक्टिविटीज़ जो कंस्ट्रक्शन साइट पे होती हैं तो इसको हम मेज़र कैसे कर सकते हैं और इसकी हम पेमेंट कैसे करेंगे तो उस सभी तरीक़े को हम इस वीडियो में देखेंगे ओके ये हमारा जो यूनिट है थर्ड यूनिट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरियस आइटम वर्क इन सभी को देखेंगे रूल्स ऑफ मेजरमेंट इनको देखेंगे और डिफरेंट मेथड ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटीज सेंटर लाइन मेथड एंड लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड इन तीनों टॉपिक को हम इस सब्जेक्ट में इस यूनिट में कवर करेंगे बट इस वीडियो में हम स्पेशली इस टॉपिक को कवर करेंगे ठीक है इन दोनों यूनिट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ठीक है अगर एक साथ इनको हम कवर करेंगे तो हमारी वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी इसको हम इसलिए अवॉइड कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप पार्ट वाइज हम इसको कवर करेंगे ओके okay? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ आए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उसका आप बेनिफिट ले सकें प्रिंसिपल ऑफ यूनिट्स फॉर वेरियस आइटम ऑफ वर्क इसका प्रिंसिपल क्या होता है द यूनिट्स ऑफ डिफरेंट वर्क डिपेंड्स अपॉन देयर नेचर साइज एंड सेप जो भी हमारा वर्क है वो उसके नेचर पे साइज पे और उसके सेप पे डिपेंड करता है इन जनरल द यूनिट्स ऑफ आइटम ऑफ वर्क आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल तो ये इन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है फर्स्ट मास वॉल्यूम एंड थिकनेस वर्क सेल बी टेकन इन क्यूबिक यूनिट और वॉल्यूम तो जो भी हमारा मास होगा वॉल्यूम होगा उन सभी को हम क्यूबिक कंटेंट और वॉल्यूम में मेज़र करेंगे सेलो थिन एंड सरफेस वर्क जो भी हमारा कम डेप्थ का होगा पतला वर्क होगा उसको हम स्क्वायर एरिया स्क्वायर यूनिट में मेज़र करेंगे ओके okay? ठीक है फिर आता है हमारा लॉन्ग एंड थिन वर्क शैल बी टेकन इन लीनियर और रनिंग यूनिट जो भी हमारा लेंथ वाइज वर्क होगा उसको हम रनिंग यूनिट में मेज़र करेंगे ठीक है पीस ऑफ वर्क जैसे कुछ स्पेशल टाइप का वर्क है उसको हम पीस में डिवाइड करते हैं जैसे कोई फर्नीचर है या फिर कोई डोर है तो इसको हम यूनिट वाइज भी डिस्प्ले कर, कर सकते हैं यूनिट वाइज इसको मेजर कर सकते हैं ओके द यूनिट्स ऑफ पेमेंट्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क्स इन मेट्रिक सिस्टम आर सेम एक्सेप्ट फॉर अर्थ वर्क सभी की मेजरिंग यूनिट और उसकी पेमेंट का तरीका एक है बट अर्थवर्क की जो पेमेंट का तरीका वो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम परसेंटेज पर क्यूबिक मीटर को कैलकुलेट करते हैं यानी कि फॉर एग्जांपल आपको समझा दो हमने 10 क्यूबिक मीटर एक्सक्रेशन किया खुदाई की और हमें टोटल जो हमारे वर्क करना था वो 50 क्यूबिक मीटर हमें करना था तो 10 क्यूबिक मीटर हमने किया है तो उसी के अकॉर्डिंग उसके हमें पेमेंट करनी होगी तो ये हमारा हो गया ट्वेंटी परसेंट तो ट्वेंटी परसेंट जो एक्सक्वेशन की वैल्यू होगी हमें वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर को देना होगा ठीक है तो इसको परसेंटेज में हम कैलकुलेट करते हैं एक्सक्वेसन को ओके okay? तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थ वर्क में हम क्या क्या देखेंगे एक्सक्वेसन खुदाई फिर है फिलिंग ये मिट्टी को हम फिल करें डंपर की हेल्प से और एक्सक्रेशन ऑफ स्टोन्स जो भी हमारा पहाड़ है पत्थर है उसका एक्सक्रेशन इन सभी को हम मेज़र कैसे करते हैं आप गैस करिए कि हमने ये जो फिगर है इसमें कितनी मिट्टी हमें हमारी निकलेगी और या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी मिट्टी यहाँ पे फिल होगी आप के जी में इसको कर सकते हैं या फिर क्विंटल में इसको कर सकते हैं आप बताइए किस यूनिट में आप इसको मेज़र करेंगे ठीक है तो इसको हम मेज़र कैसे करते हैं वॉल्यूम की कैटेगरी में ठीक है ना तो के जी है ना ये क्विंटल में हम इसको मेज़र करेंगे इसको हम वॉल्यूम के कैटेगरी में मेज़र करेंगे आइए देखते हैं कैसे ये देखिए अर्थवर्क इन एक्सक्वेशन इन ऑर्डनरी सोइल मिक्स्ड सोइल विद कंकर एंड बजरी कंकर बजरी या किसी भी टाइप की सोइल की जब हम एक्सक्वेशन करते हैं तो उसको हम मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर की यूनिट में ठीक है एम के एस हमारी यूनिट होती है एम के एस का मतलब क्या होता है मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड ठीक है मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड तो मीटर में हमारी जो यूनिट होगी क्यूबिक मीटर एक्सक्वेशन को हम क्यूबिक मीटर में एक्सप्रेस करते हैं और परसेंटेज जितनी भी क्यूबिक मीटर की है वो हम पेमेंट उसकी करते हैं ठीक है रोक एक्सक्वेशन पहाड़ का जब हम खुदाई करते हैं तब भी उसको हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं अर्थ फिलिंग अर्थ फिलिंग को भी हम क्यूबिक मीटर में करते हैं और वैसे ही इसकी पेमेंट भी की जाती है ओके अर्थ वर्क इन कटिंग एंड फिलिंग ऑफ रोड एंड इरीगेशन प्रोजेक्ट रोड और इरीगेशन प्रोजेक्ट के लिए जो हम अर्थवर्क करते हैं तो उसकी भी यूनिट हम क्यूबिक मीटर में ही मेजर करते हैं ओके सरफेस ड्रेसिंग एंड लेवलिंग एंड क्लीनिंग। सरफेस ड्रेसिंग या फिर लेवलिंग का काम हो या फिर क्लीनिंग का काम हो तो उसको हम स्क्वायर मीटर में एरिया वाइज हम कैलकुलेट करते हैं एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर मीटर तो वैसे ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जो नोट करने वाली है वो है ये फोर अर्थवर्क नॉर्मल लीड इज़ थर्टी मीटर एंड नॉर्मल लिफ्ट इज़ 1.5 मीटर इसमें क्या बताया गया है कि तीस मीटर की डिस्टेंस तक हम एक्सकवेटेड जो मटेरियल होगा उसको डंप कर सकते हैं या फिर 1.5 मीटर की हाइट तक हम मिट्टी को उठा के डंप कर सकते हैं ठीक है अगर इससे ज़्यादा वैल्यू हमारी आती है जैसे हमें सपोज कीजिए आप चालीस मीटर की डिस्टेंस पे या फिर सौ मीटर डिस्टेंस पे आपको डंप करना हो मिट्टी को तो उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्टर को अलग से पैसा देना होगा ठीक है तीस मीटर या उससे कम की डिस्टेंस तक आपको डंप करना है तो उसको लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसा उसको नहीं देना होता है। वैसे ही एक्सक्एसन जब डेढ़ मीटर से ज़्यादा है तो आपको कॉन्ट्रैक्टर को एक्सक्वेसिंग जो टीम है उसको एक्स्ट्रा पैसा देना होता है वन पॉइंट फाइव मीटर या उससे कम की डेप्थ तक जब खुदाई होती है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता ठीक है थीके? तो ये इसमें नोट इंपॉर्टेंट नोट है ठीक है नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट में आप काफ़ी सारे स्ट्रक्चर होते हैं आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियर है अज्यूम कर सकते हैं ये है हमारे फाउंडेशन का और ये है सुपर स्ट्रक्चर का कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर तो इसमें हम एल बी एच यानी कि वॉल्यूम इसका हम निकाल सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के स्पेसिफल स्पेशल जो हमारा केस है जैसे ये आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर हमारी फुटिंग है ये कंबाइंड फुटिंग है दो इसमें फुटिंग एक साथ जॉइंट है और इसको हम क्यूबिक कंटेंट में मेजर कर सकते हैं आर ये इसमें यूज़ होता है नेक्स्ट हमारा जो आता है छज्जा ये आप देख सकते हैं सनसेड बोल सकते हैं इसको इसको हिंदी में भी छज्जा बोलते हैं और इंग्लिश में कोई इसका वर्ड सनसेड हम बोल सकते हैं वैसे छज्जा भी बोल देते हैं तो छज्जा और ये आप देख सकते हैं जाली वर्क ये भी हमारे सीमेंट कंक्रीट की होती है तो ये है जाली वर्क और ये छज्जा ये अलग अलग टाइप के कंक्रीट के काम हैं अब देखते हैं लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन जब भी लाइम कंक्रीट फाउंडेशन तो उसको हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं वैसे ही सीमेंट कंक्रीट है या फिर आरसीसी वर्क है तो उसको हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं प्रीकास्ट कंक्रीट एंड आरसीसी वर्क है तो उसको हम क्यूबिक मीटर में जाली वर्क और जेफरी वर्क और सीसी टेरेसी पैनल जो भी हमारे जाली वर्क है या उसके सिमिलर कोई भी वर्क है जिसमें थिकनेस स्पेसिफाई की गई है तो उसको हम स्क्वायर मीटर में, में मेजर करते हैं ये स्पेशल केस है स्क्वायर मीटर में, में, में मेजर हम कब करेंगे जब उसमें थिकनेस को स्पेसिफाई किया गया हो या फिर थिकनेस काफ़ी कम हो ठीक है जैसे नेक्स्ट हमारा आता है लाइम कॉन्क्रीट इन रूफ टेरेसिंग रूफ टेरेसिंग में जब लाइम कॉन्क्रीट करते हैं उसमें भी थिकनेस जब अलग से मैंशन की जाती है तो उसमें भी हम स्क्वायर मीटर को ही क्वांटिटी मेजर करते हैं एरिया वाइज हम उसकी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं और वैसे ही इसको हम पेमेंट भी करते हैं पर क्यूबिक मीटर हम पेमेंट करते हैं ठीक है पर स्क्वायर मीटर इसकी हम पेमेंट करते हैं जितना काम होता है उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट आप देखते हैं डी पी सी डी पी सी क्या होता है डैम प्रूफ कोर्स जैसे आप फिगर में देख रहे हैं एक डैम प्रूफ की लेयर इसमें डाली जा रही है तो डी पी सी की हमारी जो मेजरिंग क्वांटिटी है उसको हम हमेशा मीटर स्क्वेयर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वेयर में एरिया वाइज ही हम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि इसमें थिकनेस को हम नेगलिजिबल मानते हैं ठीक है डी पी सी ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट रिच सीमेंट मोर्टार एसफाल्ट किसी भी टाइप की हमारी जो डी पी सी होगी उसको हम मीटर स्क्वेयर में ही मेजर करेंगे ठीक है काफ़ी बार ये क्वेश्चन हमारे कंपिटेटिव एग्जाम्स में भी जाते हैं कि डीपीसी की मेजरिंग यूनिट क्या होती है ठीक है और भी अलग अलग टाइप के जो हमारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी मेजरिंग यूनिट क्या होती है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा आता है ब्रिक वर्क ब्रिक वर्क आप सभी को पता होगा ब्रिक वर्क जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन हो रहा है ब्रिक मैशनरी का और ये है पार्टीशन वाल जो कि दीवार को दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए काम आती है इसमें कोई भी लोड बेयरिंग का एक्शन इसमें नहीं होता है ठीक है ये जनरली काम होता है इसमें एक बड़े कॉमन रूम को दो पार्ट में डिवाइड करना है इसका काम होता है ठीक है ये आप देख सकते हैं ऐसे ही आपके गांव में या घरों में आपने देखी होगी दीवारें होती हैं हनी ब्रिक वर्क बोलते हैं इसको अब देखते हैं ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन प्लिन सुपर स्ट्रक्चर इन सीमेंट और मड एंड लाइम मोटर ब्रिक वर्क कैसा भी हो सुपरस्ट्रक्चर में हो सीमेंट से हो या फिर लाइम से हो या फिर मड मोटार से हो किसी भी टाइप के मोटार से हो तो उसको हम मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में ठीक है वॉल्यूम हमारा होगा क्यूबिक मीटर एल बी एच आप उसको कर सकते हैं वैसे इसकी पेमेंट भी होती है फिर पर क्यूबिक मीटर पेमेंट भी होती है रेनफोल्ट ब्रिक वर्क जो होता है उसमें हम क्यूबिक मीटर में ही मेज़र करते हैं ब्रिक वर्क इन फायर प्लेस चूल्हा एंड चिमनी चूल्हा और चिमनी के पास भी जो ब्रिक वर्क होता है वो भी हमारा क्यूबिक मीटर में ही मेजर किया जाता है हनीकॉम ब्रिक वर्क जैसे अभी मैंने बताया थिन पार्टीशन वाल पतली पतली पार्टीशन वाल होगी या फिर हनीकॉम ब्रिक वर्क होगा तो उसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं ठीक है ये आपको याद रखना है कि स्क्वायर मीटर को और क्यूबिक मीटर में हम कहाँ कहाँ पे इसको मेज़र करते हैं ठीक है ऐसे ही हाफ़ ब्रिक वर्क विद और विदाउट रेनफोर्समेंट जब हाफ ब्रिक की हमारी दीवार होगी तो उसको जब हम सरिया उसमें डालते हैं रेनफोर्समेंट उसमें प्रोवाइड करते हैं वो हो या फिर उसमें रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड नहीं करते दोनों केस में हम उसकी मेजरमेंट लेते हैं स्क्वायर मीटर में ठीक है इसके अकॉर्डिंग उसकी पेमेंट की जाती है फिर फिर आता है स्टोन वर्क जो भी हमारा पत्थर से काम किया जाता है जैसे आप देख सकते हैं ये रूबल मैशनरी है और ये एसलर मैशनरी है डिफरेंस इसमें क्या होता है रूबल मशनरी में हम जैसे हमारे पास स्टोन होते हैं उसको बिना तरा बिना उसकी ड्रेसिंग किए हम दीवार में उसको यूज़ कर लेते हैं और एसलर में हम उसको अच्छे से काटते हैं चाटते हैं अच्छे से ड्रेसिंग करते हैं उसको ग्राइंड करते हैं तब उसको हम उसमें यूज़ करते हैं मैशनरी में तो आप देख सकते हैं इसमें सभी स्टोन की सेप रेक्टेंगुलर है स्क्वायर है तो ये हमारी एसलर और इसमें हमने किसी भी स्टोन को अच्छे से ड्रेस नहीं किया है तो ये हमारी रूबल मैशनरी फिर है स्टोन का जो छज्जा होता है और स्टोन की लाइनिंग होती है तो इनको हम किस किस यूनिट में, में मेजर करते हैं देखते हैं इस टेबल के थ्रू स्टोन मैशनरी रैंडम रूबल मैशनरी एसलर मैशनरी जितनी भी टाइप की मैशनरी हम करते हैं तो उसको हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं कट स्टोन वर्क इन लिंटल बीम जेंटल बीम जितने भी हैं हमारे हैं उसमें हम जो यूज़ करते हैं वो क्यूबिक मीटर में ही मेजर करते हैं स्टोन स्लैब इन रूफ सेल्फ स्टोन छज्जा जितने भी हमारे स्टोन छज्जा हैं सेल्फ हैं तो उसको हम थिकनेस स्पेसिफाइड जब की जाती है तो स्क्वायर मीटर में ओके okay? उसको हम मीटर में यूज़ करते हैं नेक्स्ट है स्टोन वर्क इन वॉल फेसिंग और लाइनिंग वाल फेसिंग में या फिर लाइनिंग में और उसमें भी थिकनेस स्पेसिफाइड हो तो स्क्वायर मीटर में हम उसको मेजर करते हैं ठीक है तो ये था हमारा स्टोन वर्क नेक्स्ट आता है वुडन वर्क आप देख सकते हैं ये डोर फ्रेम है ये हमारा डोर के शटर हैं फ्रेम और शटर ओके वुड वर्क डोर एंड विंडो फ्रेम जितने भी डोर एंड विंडो फ्रेम है इन सभी को हम मेज़र करते हैं क्यूबिक मीटर में ओके तो जितना भी हमारा वुड वर्क है आप सभी को एक साथ अगर याद रखो तो आप मीटर स्क्वेयर यानी कि एरिया में ही हम उसको मोस्टली ऑलमोस्ट मेज़र करते हैं मीटर स्क्वेयर ठीक है बट जो हमारी चौखट है डोर फ्रेम है विंडो फ्रेम है उसको हम ओनली क्यूबिक मीटर में मेज़र करते हैं ठीक है ये और सभी को आप स्क्वेयर मीटर में मेजर कर सकते हैं ठीक है डोर एंड विंडो शटर्स पैनल ठीक है टिम्बर बोर्डिंग को मीटर स्क्वेयर में टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंचेस को मीटर स्क्वेयर में वुड वर्क इन पार्टीशन एंड प्लाईवुड इन सभी को हम मीटर स्क्वेयर में यूज़ कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा स्टील वर्क स्टील वर्क में आपने ये देखा होगा आर वर्क रेनफोर्समेंट का जो हमारा काम है फिर है स्टील वर्क फैब्रिकेशन का काम है और इसमें जो बोल्ट आप देख सकते हैं नट एंड बोल्ट लगे हुए हैं ये सारे काम इसके अलावा रोलिंग सेटर और आयरन गेट इन सभी को हम कैसे कैसे मेज़र करते हैं फर्स्ट रोल्ड स्टील जॉइट्स चैनल एंगल फ्लैट राउंड एक्सेट्रा जितने भी हमारे चैनल सेक्शन हैं एंगल सेक्शन है फ्लैट सेक्शन है फैब्रिकेशन ऑफ स्टील वर्क है उन सभी को हम क्विंटल्स में यूज़ करते हैं क्विंटल्स में मेजर करते हैं ठीक है उनके वेट को क्विंटल्स में कन्वर्ट करके फिर हम क्विंटल्स में ही उसको हम यूज़ करते हैं उसकी पेमेंट भी फिर पर क्विंटल के हिसाब से ही की जाती है ठीक है स्टील रेनफोर्समेंट बार इन आर सी सी एंड रेनफोर्स ब्रिक वर्क तो उसको भी हम क्विंटल्स में ही यूज़ करते हैं क्विंटल में ही मेजर करते हैं रिवेट बोर्ड्स नट्स जितने भी हम यूज़ करते हैं उसको भी हम क्विंटल्स में ही मेजर करते हैं आयरन गेट्स आयरन ग्रिल कोलेप्सिबल गेट जितने भी हैं उसको हम वेट में या फिर स्क्वायर मीटर में किसी में भी मेजर कर सकते हैं दोनों का इसमें ऑप्शन होता है वेट में भी करते हैं बट स्क्वायर मीटर में भी इसको हम मेजर कर सकते हैं वैसे ही रोलिंग सेटर स्टील डोर्स विंडोज़ जितने भी हैं उसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आता हमारा रूफिंग रूफ Roof होती हमारी छत तो छत जैसे ये आर की रूफ है ये हमारी एस्बेस्टोस सीमेंट सीट की रूफ़ है कोरोगेटेड है फिर आप देख सकते हैं रेनफोस्ट ब्रिक वर्क या फिर आर सी ब्रिक वर्क जितना भी हमारा है उसको हम क्यूबिक मीटर में मेज़र करते हैं ठीक है जितने भी अदर टाइप की हमारी रूफ़ होंगी उन सभी को हम मीटर स्क्वायर में मेज़र कर सकते हैं ओके एरिया वाइज हम उसको मेज़र कर सकते हैं बट आर का जब हमारा कंटेंट आता है आर का हमारा जब स्ट्रक्चर आता है रूफ के केस में तो उसको हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं और बाकी सभी को हम मीटर स्क्वायर में मेजर कर सकते हैं ठीक है फिर आता है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट जितने भी हमारे एक्सपेंशन जॉइंट उसको हम रनिंग ये सॉरी मीटर में मेज़र करते हैं कितना मीटर लेंथ वाइज हमारा जॉइंट है तो उसको हम मीटर वाइज ही मेज़र करते हैं ठीक है वैसे उसकी पेमेंट होती है एक मीटर यानी कि एक मीटर के अलॉन्ग जितना भी होगा उसमें हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप देखिए दस मीटर लंबा हमारा कंस्ट्रक्शन जॉइंट है उसमें दो मीटर तक हमने उसमें काम कर दिया बाकी आठ मीटर हमारा बचा हुआ है तो दो मीटर का जो पैसा है वो उसको दे दिया जाएगा पर मीटर के हिसाब से नेक्स्ट आता हमारा प्लास्टरिंग पॉइंटिंग एंड फिनिशिंग प्लास्टरिंग क्या होती है जैसे आप देख सकते हैं ये सीमेंट मोटर की प्लास्टरिंग इसमें की जा रही है ये हमारी पॉइंटिंग होती है नबी गैप ईंटों के बीच में ब्रिक्स के बीच में होता है उसको हम सीमेंट से या फिर कलर्ड सीमेंट से इसको फिल कर देते हैं तो उसको हम पॉइंटिंग बोलते हैं फिर आता है डेडो डेडो क्या होता है ये आप फिगर में देख सकते हैं ये एक बाथरूम का इंटरनल व्यू इसमें दिखाया गया है और यहाँ पे टाइल वर्क किया गया है कुछ हाइट तक ये टाइल वर्क किया गया है इसको बोलते हैं डेडो वर्क ओके और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक दीवार के लोअर एज पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको बोलते हैं स्कर्टिंग ठीक है डेडो हमारी हाइट में ज़्यादा होती है स्कर्टिंग हमारी पंद्रह से बीस सेंटीमीटर की होती है और डेडो हमारी होती है एक से डेढ़ मीटर की ठीक है सो से हमारी डेढ़ सौ सेंटीमीटर की और ये दस से बीस या फिर पंद्रह से बीस सेंटीमीटर की ओके डेडो और स्कर्टिंग अब इसकी मेजरमेंट हम कैसे करते हैं लास्टर वर्क जितना भी हमारा सीमेंट मोर्टार हो लाइम मोर्टार हो तो उसको हम स्क्वायर मीटर में पॉइंटिंग वर्क जो भी हमारा है वो हमारा स्क्वायर मीटर में डेडो वर्क जो हमारा है वो स्क्वायर मीटर में स्कर्टिंग को हम मीटर में मेजर करते हैं ओके अब आया हमारा डिस्टेम्परिंग पेंटिंग वार्निशिंग जितना भी हमारा काम होता है उसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं ठीक है एरिया वाइज क्योंकि तो उसमें थिकनेस होती नहीं है ठीक है तो एरिया वाइज उसको हम मेज़र करते हैं तो वैसे ही इसकी पेमेंट भी की जाती है पर मीटर ठीक है अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोरिंग फ्लोरिंग तो आपको पता ही कैसे होती है या तो मार्बल फ्लोरिंग सीमेंट फ्लोरिंग वुडन फ्लोरिंग हर एक टाइप की फ्लोरिंग जो भी है आप उसको स्क्वायर मीटर में ही मेजर करेंगे ठीक है किसी भी टाइप का फ्लोर होगा तो उसको हम स्क्वायर मीटर में, में मेजर करते हैं ठीक है याद रखिए इसको और वैसे ही इसकी पेमेंट भी होती है पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर अब आता है मिसलेनियस आइटम काफ़ी सारे मिसलेनियस आइटम होते हैं हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जैसे पाइप्स हैं लेइंग ऑफ पाइप्स है इसको हम कैसे मेजर करेंगे मीटर में ठीक है वैसे इसकी पेमेंट भी होगी पर मीटर जंगल क्लियरेंस यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको अगर क्लियर करना है ज़मीन को साफ करना है तो उसके लिए हम मीटर स्क्यर एरिया वाइज या फिर हेक्टेयर किसी भी यूनिट में उसको मेजर कर सकते हैं वैसे इसकी पेमेंट होती है अगर मीटर स्क्यर में एरिया को क्लियर किया गया है तो पर मीटर स्क्यर और अगर हेक्टेयर में क्लियर किया गया है तो पर हेक्टेयर ठीक है फिक्सिंग ऑफ डोर एंड विंडोज डोर एंड विंडो को फिक्स करना हम कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर्स में दो नंबर हमारे डोर फिक्स हो गए दो फिक्स हो गए हैं विंडो तो उनको हम उसी के अकॉर्डिंग उसकी पेमेंट की जाती है ठीक है फिक्सिंग ऑफ ग्लास पेन्स क्लीनिंग ऑफ रिन्यू ऑफ ग्लास पेन्स ग्लास जो वर्क होता है उसमें भी हम नंबर्स का ही यूज़ करते हैं जैसे दो नंबर के ग्लास पेन्स हमें यूज़ किए या फिर रिन्यू किया गया उनको तो नंबर्स में ठीक है पाइल ड्राइविंग और सिंकिंग और वेल well सिंकिंग ठीक है पाइल का ड्राइविंग का काम हो पाइल को ठीक है ज़मीन के अंदर जो ड्राइव किया जाता है तो उसमें जब मेज़र करते हैं मीटर में ही मेजर करते हैं ठीक है ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार कंपिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि पाइल्स की जो हमारी मेजरिंग यूनिट होती है वो क्या होती है तो वो होती है हमारी मीटर में और पेमेंट उसकी पर मीटर में की जाती है नेक्स्ट हमारे आते हैं जैसे फर्नीचर चेयर टेबल एक्सेट्रा जो भी उसको हम नंबर्स में मेजर करते हैं लाइनिंग ऑफ इरीगेशन कैनाल और टनल लाइनिंग हम की जा की जाती है वो हम स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिक वायरिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ लाइट फैन प्लग पॉइंट्स एक्सेट्रा तो जितने भी हमारी इलेक्ट्रिक फिटिंग है उसकी हम मेजरमेंट कैसे करते हैं पॉइंट्स के थ्रू ठीक है कितने पॉइंट्स हमें उसमें प्रोवाइड किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसकी पेमेंट की जाती है वाटर क्लोजेट वाश बेसिन मैन होल्स जितने भी हैं वो नंबर्स में हम काउंट करते हैं और नंबर्स के अकॉर्डिंग उसकी पेमेंट हो जाती है ग्राउटिंग ऑफ क्रैक्स जॉइंट्स इन सब को जो ग्राउट करते हैं तो उसको हम मीटर्स में कैलकुलेट की जाती है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी काफ़ी हेल्पफुल है काफ़ी नॉलेजेबल है ये वीडियो आप इसको अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी लगेगी थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव ए गुड डे